ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसे इसी को काशी विश्वनाथ या काशी धाम भी कहते हैं, उसी कंपाउंड में है। अब इसकी स्टोरी कहाँ से जाती है मैं आपको बताता हूँ। जब मुगल एम्परर औरंगजेब था, और आप जानते हैं औरंगजेब ने काफी मंदिर तोड़े थे पूरे इंडिया में और जिजिया लगाया था, क्या क्या नहीं किया। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप और भाई को भी नहीं छोड़ा, उसने हाँ किसी को नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब का जब शासन उसको लगा थोड़ा कमजोर हो रहा है, ये हो रहे, देखिए ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसे इसी को काशी विश्वनाथ या काशी धाम भी कहते हैं, उसी कंपाउंड में है। अब इसकी स्टोरी कहाँ से जाती है मैं आपको बताता हूँ। जब मुगल एम्परर औरंगजेब था, और आप जानते हैं औरंगजेब ने काफी मंदिर तोड़े थे पूरे इंडिया में और जिजिया लगाया था, क्या क्या नहीं किया। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप और भाई को भी नहीं छोड़ा, उसने हाँ किसी को नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब का जब शासन उसको लगा थोड़ा कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है, उसने बोला भाई जहां जहां मंदिर है उसे फरमान जारी किया बाकायदा। एक होता कि वो एक गलती से हो गया, किसी लोगों ने उसे फरमान जारी किया जहां जहां मंदिर है उसको तोड़ के आप मस्जिद वहां पे बनाओ। अब तीन चार बड़े प्रोमिनेंट जगह थी हिंदुइज्म में, एक था सोमनाथ, सोमनाथ है गुजरात में, ठीक है जी। एक तो वो सोमनाथ को, खैर अगर आपको याद हो तो मोहम्मद गजनी ने भी 17 बार लूटा था, और 17वीं बार जब वो लूट रहा था तो उसका वहां जो पुजारी था और जो बादशाह था, कहता तू भाई इसको छोड़ दे, तुझे पैसे चाहिए हम दे देंगे। एक तो छोटी सी चीज यहाँ पे कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त से मुलाकात हुई खैबर पख्तूनख्वा में, तो जी उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये इन्होंने मतलब ये जो हमले वमले करता था, कहते कि ये गजनवी साहब अगर ये इतना काबिल आदमी था तो फिर उसको 17 दफा हमला करने की क्या जरूरत थी, एक ही दफा में ये वो उसको कंकड़ कर देता। मुझे बात बड़ी पसंद आई और आपने इतफाक से उनका जिक्र भी किया, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे वो बात कर लूँ। आप प्लीज अपनी बात जारी रखें। जी फरेबर, देखिए अभी जो उसने किया था हमला, तो कई बार कई सौ हजार ऊंटों पे वो सामान ले गया, तो उसको बोला भाई तू ये छोड़ दे, तुझे पैसे चाहिए, 1 करोड़ सोने की अशरफिया ले जा। तो उसने बोला बोला नहीं मैं अशरफिया नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो मानना है अगर खुदा मुझे कयामत के दिन पूछेगा तू बुध परोश था या बुध परस था, तो मैं जवाब दूंगा कि मैं बुध शिकन था, बुध परोश नहीं था। तो इसने भाई मैं ये ओ तोड़ूंगा भी अच्छा और मैं पैसे भी लूंगा। चलिए अच्छा वो गई हिस्ट्री। दूसरा ये वो हो गया सोमनाथ, ये है गुजरात में। और आपको याद होगा जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी अफगानिस्तान गए थे, तो उन्होंने बोला था मुझे गजनी जाना है, तो लोगों ने बोला गजनी में तो कुछ भी नहीं है, वहां तो भाई वीरान सा गांव है वहां। बोला नहीं नहीं मुझे गजनी जाना है। तो फिर किसी ने जी पूछा आपको गजनी क्यों जाना, फिर उन्होंने कहा भाई ये क्योंकि मोहम्मद गजनी वहां से आया था इसलिए मुझे देखना, ये गया था। अब आप गजनी की आज की हालत देखिए, गुजरात या सोमनाथ की आज की हालत देखिए, कंपेयर करिए। मेरे कहने बिल्कुल का मतलब है ऐसा पैसा लाया हुआ किसी के काम कभी ना आया है ना आएगा, ये तो एक बिल्कुल बात है। अब आते हैं जी, अब दूसरा मंदिर था जो जो औरंगजेब ने ये तो एक ये था और ये मथुरा, इसका फरमान औरंगजेब ने जारी किया था। बाबरी मस्जिद जो थी जिसको मंदिर को तोड़ के बनाया गया था अयोध्या में, वो तो पता ही है। अब ये दो चार चीजें फकर भाई इसलिए की गई थी कि आपको, आप जानते हो उन दिनों कन्वर्जन बहुत हुआ, बहुत कन्वर्ट किए गए हिंदू। इनफैक्ट जो अभी भी हमारे आसपास के मुसलमान है 99% ऑफ द वर्ल्ड कन्वर्टेड हिंदू, तो जी कन्वर्जन किया गया। अब औरंगजेब ने, अब आते हैं औरंगजेब की, तो राम मंदिर वाला इशू अलग है, वो तो आपको पता ही है, वो 135 साल कोर्ट में चला, कहानी चलती रही। अब ये जो काशी और मथुरा है, तो ये स्पेशल औरंगजेब के ऑर्डर पे तोड़ा गया। औरंगजेब ने क्या किया, क्योंकि मैं दोनों जगह गया हूं और हर हिंदुस्तानी गया, मैं क्या हर गया, सब कोई भी जा सकता है। तो अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं तो ऐसे मंदिर है, और मंदिर से करीब 5 फुट दूर, 5 मीटर हार्डली, एक दीवार लगी है, दीवार के उस साइड मॉस्क है। पहले ये सारा मंदिर था, और अगर आप आज भी इंटरनेट पे इमेज डालें, सर्च करें, जी औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ो, मंदिर की दीवारों पे ही उसने गुंबद लगा दिया, ऐसे जो गोल सा वो लगाते हैं, और मस्जिद में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं उसके पास ईंट गारे की कमी थी, ईंट थी गारा सब कुछ था, बट ही वॉन्टेड टू सेंड अ मैसेज, उसने उसको मैसेज बनी थी। वैसे वही उसने स्टाइल मथुरा में भी किया। अगर आप दोनों जगह जाओगे तो राम मंदिर के केस में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जरूर की पड़ी थी, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बॉस थे जिन्होंने ये फाइंडिंग की वो भी मुसलमान ही थे, खान साहब, तो जी जिन्होंने खुदाई वुदाई की। तो बाय द वे ये मैं बोलना जरूरी है। अब फखर भाई उन्होंने जब यहाँ पे आपको क्लियर, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपको दिखती है आपको से, या कोई दिक्कत है नहीं। अभी जो आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बढ़ाया गया, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, उससे क्या किया, मान लीजिए ये कॉरिडोर है तो इसके आसपास इसको ऐसे चौड़ा किया गया और गंगा जी तक लाया गया। जो ज्ञान वापी मॉस्क है वो अब भी एज इट इज है, उसको टच नहीं किया गया, ठीक है। तो कॉरिडोर को जब छोड़ा गया, वो जो मॉस्क है, क्योंकि जब फिर बाद में रिनोवेशन हुआ महारानी होलकर ने किया, तो आधा पॉट जो मॉस्क में कन्वर्ट हो गया था उसको एज इट इज रहने दिया, जो बच गया था
वहां को उसको फिर रिनोवेट करके उसको, तो अब ये बिल्कुल ऐसे हैं। मैंने कहा ना 5 मीटर की दूरी है। और हमारे हिंदुस्तान में एक होता है शिवजी के साथ नंदी होता है, जो नंदी पुल कहते हैं, उनकी डायरेक्शन हमेशा शिवलिंग की तरफ होती है, शिवलिंग नॉर्थ को फेस करते हैं। यहाँ आपको एक वाहिद ऐसा शिव टेम्पल दिखेगा जो मिलियन ऑफ शिव टेम्पल है इंडिया में, दुनिया भर में, वेयर नंदी लुक्स द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहले वहां शिवलिंगा था जिसको तोड़ा गया था, तो इसीलिए उनकी डायरेक्शन अब भी वैसी है। तो अब ये जो चीज आई, उन्होंने बोला अब उसके बाहर के दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं के वो स्कल्पचर, स्वास्थ्य कमल ये बने, और उसकी बेसमेंट बंद है, बेसमेंट में भी काफी कुछ सामान डाला गया। तो अब लोगों ने बोला भाई हमें इसके बाहर जाके, बाहर की दीवार पे एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार पूजा करने की हमें इजाजत है, हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर बाहर जो बना है वहां पूजा करने की इजाजत है। ये 5 लेडीज ने ये पिटीशन लगाई थी। अब कोर्ट ने बोला भाई हाँ दिख तो रहा है, सबको दिख रहा है, आप इंटरनेट पे फोटो डालेंगे आपको भी दिख जाएगा, आप ज्ञान आपकी मौज डालेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई इसकी वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी, वीडियोग्राफी करके अंदर बाहर सब देखना पड़ेगा, कहानी क्या, बाहर से दिख तो रहा है, कहीं ये बाहर बाहर ही तो नहीं, अंदर ऐसा नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला कि भाई ठीक है हम आप डाल दीजिए, अगर आप भी आज फोटो डालेंगे तो यहाँ भी हमें दिख जाएगा। अब क्या हुआ, फिर एक कमीशन अपॉइंट किया गया, भाई एक कमीशन है जो मजिस्ट्रेट है वो अपॉइंट करेंगे। फिर उसमें अड़ंगे डाली गई, नहीं नहीं जी ये ठीक नहीं है, ये बायस्ड है। फिर हेयरिंग हुई, फिर कानूनी दाव पे चलते रहे। फाइनली कोर्ट ने अभी 2-4 दिन पहले बोला कि कमिश्नर साहब वही रहेंगे, 2-3 कमिश्नर उनके साथ और जाएंगे, और अब इसकी वीडियोग्राफी करके आप हमें एविडेंस दो कि ये अंदर कहानी है क्या। ये ज्ञान वापी मॉस्क और ये जो काशी विश्वनाथ की सारी स्टोरी ये है। और पर एक आपको यहाँ ये बताना जरूरी, इंडिया में एक एक्ट आया था 1991 में जिसके अनुसार जो पोजिशन तब थी वही पोजिशन रहेगी, वो पोजिशन यूनानिमसली चेंज नहीं होगी। जबकि एक कमीशन आया था उसने ऐसे फखर भाई 44,000 जगह आइडेंटिफाई की है, उनको चिन्हित किया गया था, गवर्नमेंट का कमीशन था जिसने ये बताया भाई यहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ऐसे 44 जगह है। पर जो हिंदू समाज का है, जो ओवरऑल जो रहा है 3-4 जगहों को लेके रहा, अयोध्या सेटल हो गया, सोमनाथ सेटल हो गया, मथुरा और काशी, अगर ये 3-4 जगह हो जाए तो बाकियों पे अब जो हो गया सो हो गया, वो हिस्ट्री है, भूल जाइए उसको। मतलब ये कोई एक कंसेंसस है, इट इज नॉट अ फाइनल थिंग, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मतलब मैं ये कंसेंसस सब बना था अभी, पर उसमें भी मतलब उसमें भी बात बनी नहीं। अब जो कोर्ट का फैसला आया है उसको 14 या 17 मई को, 17 मई तक या अभी हाल फिलहाल में एक सर उनको एक रिपोर्ट देनी है। हाँ ये जो आप देख रहे हैं एक रिपोर्ट देनी है, ये अगर आप इस फोटो को थोड़ा बड़ा करें आप, मैं इसको 16 पे कर देता हूँ। हाँ आप कर दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो आप ये जो देखेंगे बाहर में लेफ्ट साइड में आपको ये मंदिर के पिलर, मंदिर की नक्काशी कार्रवाई दिखाई, ये दिखाई देगी। जी जी बिल्कुल ठीक है ना। तो इसी के ऊपर मस्जिद का गुंबद लगाया गया था औरंगजेब ने, ये किया था डन विद अ पर्पस। इसी के सामने काशी विश्वनाथ मंदिर है, 5 फीट की दूरी है, कॉम्प्लेक्स सेम है बाय द वे, एक ही कॉम्प्लेक्स। मथुरा में भी अगर आप देखेंगे तो मथुरा में भी यही मिलेगा। अब ये जो मस्जिद आप दिखा रहे हैं इस पूरे की वीडियोग्राफी होगी अंदर बाहर इंक्लूडिंग तहखाना, उसके अंदर क्या है, उसके बाद जो भी कोर्ट का फैसला होगा जैसे भी होगा वो चलेगा। पर एक मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं, इसमें जब तक वो 1991 का एक्ट है तो इस मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। हाँ शायद कोर्ट आपको बाहर के जो आउटर वॉल्स है कुछ है वहां 1 या 2 दिन जाके पूजा करने की अनुमति दे, आप मेंट भी गिवन अ परमिशन टू वर्शिप देयर, क्योंकि वहां एक एक श्रृंगार गौरी की रसोई है मानी जाती है कि माता की रसोई वहां है जिसको श्रृंगार गौरी की, कि आपको उसकी परमिशन दी जाएगी या तो वो एक्ट रिपील हो। अब दिक्कत क्या फखर भाई, जो मुझे दिख रहा है कि अगर ये चीज यहाँ होती नहीं है या कोई कंसेंसस नहीं होता कि कहीं ये चीज बढ़ के हर जगह पे ना जाए, ये हमारे नेशनल टीवी पे आजकल नंबर वन टॉपिक, मैं कहीं डिबेटों पे बोल रहा हूँ, मैंने यही बोला कि भाई ये अगर 3-4 जगह सेटल करके कंसेंसस बनता है वो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो अगर हर जगह ये खुलता गया खुलता गया तो एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अब देखिए पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियनों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होता है, हर इंटरेस्ट होता है। तो अब हमें इस चीज को, हमें अभी जरूरत है ट्रस्ट का माहौल बनाने की और चीजों को सेटल करने की, राधा दिन चीजों को ऐसे खोलने की, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसको जी। अच्छा एक चीज और भी है, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि ताजमहल के ऊपर भी किसी ने गालिबन पिटिशन डाला हुआ है कि इधर कोई गालिबन मूर्तियां पड़ी हुई हैं या कोई और चीज है, उस एप्लीकेशन को तो आई थिंक सो खारिज किया गया, उसको डिसमिस किया गया, लेकिन क्या वजह है कि लोगों को लगता है कि इस किस्म की चीजें,
एक हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो आप जिस तरह इधर बता रहे हैं या फिर कुछ और जगहों पे बहुत सारी रियलिटीज हो सकती हैं, उससे मुझे इनकार नहीं है क्योंकि मैं खुद वहां पे नहीं हूँ, या मतलब आप जैसे दोस्तों से सुनते हैं और आप लोग क्योंकि जाते हैं खुद, अगर पाकिस्तान में होगा मैंने कोई चीज देखी होगी तो वो मैं उस हिसाब से बता सकता हूँ। जी, जी। वहां पे क्या ऐसी चीज है कि मतलब इस तरह का एक जिसे कहते ट्रेंड सा नहीं चल गया कि वो लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, हालांकि कोर्ट का गालिबन उसके ऊपर डिसीजन आ गया जो मैंने पढ़ा था, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा। जी ठीक है, अब ये जो ताजमहल की बात करें, ताजमहल में दो, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। ताजमहल यमुना के किनारे है और ताजमहल बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट है, इट्स अ प्राइड ऑफ इंडिया, कोई दो राय उसमें, उसमें कोई मतलब देयर इज नो टू थॉट्स अबाउट इट। अब यहाँ दो डिस्प्यूट है फकर भाई, जो जयपुर का राजघराना है वो कहता है ये जमीन हमारी थी, ये हमसे आपने जबरन छीन ली, आपने कब्जा कर लिया, ठीक है, ठीक है, वो एक मसला, वो जमीन का टाइटल अलग। अब ताजमहल के नीचे अगर आप देखिए प्लिंथ पे है ताजमहल, कहीं मंजिल की प्लिंथ है उसके ऊपर ताजमहल बना है, उस प्लिंथ के नीचे करीब 100 सेल्स है, कमरे या सेल्स बोलिए, 100 सेल्स है, 100 सेल में से काफी खुलते हैं काफी नहीं खुलते, पर कुछ 22-1 सेल्स ऐसी है जो पिछले 75 साल से नहीं खुली, उनका ताला बंद है, कह रहे भाई इनको नहीं खोल सकते, यहाँ कुछ दिक्कत है। अब एक हिस्टोरियन है ओक साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी उस। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप देख रहे थे पाकिस्तान के एक पत्रकार भारतीय पैनलिस्ट के साथ बैठे हुए थे और यहाँ पर बात हो रही थी ज्ञान भाभी मस्जिद के बारे में। तो दोस्तों आपको सब कुछ पता है, एक्चुअली में जो इन्वेडर्स थे वो भारत आते थे, भारत आने के बाद जब वो देखते थे बुत परस्ती, तो उनको आपको पता है कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, शिर्क है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली गई हैं, और पत्थर को पूजना ये वो, मतलब उस उनको ये हराम चीज़ें लगती हैं और वो समझते हैं कि ये एक्चुअली में, आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी पाकिस्तान के लोगों को मीडिया में आते हुए सुना होगा कि तुम उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो, मतलब पहले ही वो झूठा बोल देते हैं उसके बाद तुम उनको झूठा मत बोलो। तो ऑब्वियसली जो इन्वेडर्स थे, अब पाकिस्तान हो भारत हो, इनके जो मौलाना है इनका एक डायलॉग आपने सुना होगा कि कयामत तक सारे जो दुनिया में लोग हैं वो मुसलमान बन जाएंगे, तो वही फॉलोवर थे वो इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे उनकी भी यही मानसिकता थी। भारत में आपने देखा कि हमारे पुरखे हमारे पूर्वज कहीं के भी हों, कहीं के भी हों, ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहीं के भी हों, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ मतलब फाइट बैक देते रहे, जिस वजह से हिंदू धर्म भारत में बचा। अगर आप देखें ईरान, ईरान का पुराना नाम पारस, पारस का पुराना धर्म आपको पता है पारसी लोग, वो कहाँ पे है आज, भारत में ही है गिनती के, तो पारसियों की क्या हालत है। और ऐसे अफगानिस्तान का पुराना धर्म बुद्धिस्ट, वो कहाँ पे है आपको भी पता है, अफगानिस्तान में शायद ही एक बुद्धिस्ट मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है एक भी बुद्धिस्ट आज वहाँ पर होगा नहीं। तो डेफिनेटली हमारे पूर्वजों को तो एक श्रेय देना चाहिए कि इन आक्रांताओं के खिलाफ वो हमेशा लड़ते रहे, उस वजह से हमारा धर्म बचा रहा और अब हम बचे हैं। तो ऑब्वियसली अब जो उन्होंने इन्वेडर्स ने यहाँ पर आकर क्रूरता की थी उसको हमें डेफिनेटली पलटना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि अब ये मतलब आज का समय क्यों नहीं, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। आपने ऐसी अनगिनत मस्जिद देखी होगी, आज के ज़माने भी आपने देखा होगा आज के ज़माने में कि कभी ना कभी किसी हिंदू मंदिर के सामने मस्जिद है, बनाई जाती है या बनी है, तो है क्या, मतलब आप समझ सकते हो, मुझे ऐसा सीन लगता है जैसे कि एक दुकान खोली है मिठाई की, उसके सामने एक और दूसरी दुकान खुल गई दूसरी टाइप की मिठाई की, तो दोनों तरफ से चीजें बेचने की, मतलब कॉम्पिटिटर टाइप का एक रिलीजन का व्यापार है जो इन्वेडर्स ने आकर यहाँ पर किया। भारत में पहले से भी बहुत सारे धर्म थे, आपको पता है भारत में हिंदू बुद्धिस्ट जैन ये बहुत पुराने धर्म हैं, ये थे, लेकिन इन धर्मों में कभी ऐसा आपने सीन देखा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि राजस्थान में कई मतलब हिंदू राजाओं के किलों के अंदर जैन मंदिर है, देखा होगा आपने ऐसे सीन बहुत सारे देखेंगे, लेकिन जब से आपने देखा कि एक ऐसा धर्म आता है जो सारे धर्मों को कहता है कि बस हमारा वेस्ट है और हम किसी दूसरे को जानते नहीं है, बस खत्म, तो उसके बाद आप देख सकते हो क्या कहानी है भारत में। कुतुब मीनार को अगर आप देखें तो उसमें इतने सारे मंदिरों के मतलब अवशेष से वो बनाया गया है कि आपको सब कुछ पता है। आप क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में, प्लीज कॉमेंट में।